अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने के बाद इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घसीटने की पाकिस्तान की सारी कोशिशें बेकाम साबित हो रही हैं। भारत ने पाकिस्तान की सारी कोशिशों पर ऐसा कूटनीतिक किल ठोका है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। उसकी सारी कोशिशें ढेर होती जा रही हैं। पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र को संयुक्त जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने को लेकर एक पत्र लिखा था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष जुआना रोनाक्का ने इस मुद्दे पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने डू टूक लहजे में स्पष्ट कर दिया कि जम्मू कश्मीर पर लिया गया फैसला उसका आंतरिक मामला है। उधर पाकिस्तान लगातार तमाम देशों से संपर्क स्थापित कर भारत की शिकायत कर रहा है, लेकिन उसे लगातार मायूसी हाथ लग रही है। दरअसल जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब, तुर्की, मलेशिया समेत तमाम देशों से संपर्क कर चुके हैं। रविवार को उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी को भी फ़ोन कर बात की, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिला। हद तो तब हो गई कि जब पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भारत के इस कदम को एंटी मुस्लिम करार देते हुए मुस्लिम देशों से सपोर्ट की गुहार लगाई। रविवार को उन्होंने इसी दिशा में एक ट्वीट कर अपनी बात भी कही, लेकिन इमरान खान को सबसे बड़ा झटका मुस्लिम देशों से ही मिला है। मध्य पूर्व के देशों से पाकिस्तान को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिला है। लगभग सभी देशों ने इस मुद्दे से पल्ला झाड़ते हुए दोनों देशों को इस आपसी बातचीत से सुलझाने की नसीहत दे डाली है। जो देश इस मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला बताकर सपोर्ट में भारत के आ चुके हैं, उनमें अमेरिका, रूस, संयुक्त राज्य अमीरात, मालदीव, श्रीलंका, फ्रांस, अफगानिस्तान शामिल हैं। अमेरिका ने तो यहाँ तक कह डाला है कि बदले की भावना से पाकिस्तान कोई कार्रवाई ना करे और आतंक के इस्तेमाल पर रोक लगाए, सीमा पार घुसपैठ जैसा कोई कदम ना उठाए जिससे शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। वहीं मोदी ने भी साफ तौर पर यह कह दिया है कि यह हमारा आंतरिक मसला है और इस पर पाकिस्तान को किसी भी किस्म की कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, और अगर पाकिस्तान कोई गलत हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए भारत और भारतीय सैनिक तैयार हैं। कीजिए सब्सक्राइब हमारे YouTube चैनल को, साथ ही Facebook, Twitter, Instagram, Google+ पर भी फॉलो करें। LinkedIn पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।